आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे सेव, जो ज्यादातर फरसान और चिवड़ा में यूज होती है। इसे हम तीन अलग अलग रंगों में बनाएंगे, जिसमें हम आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सेव खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनती है। ये देखिए किस तरह से बहुत ही अच्छे से टूट जाती है ना मजेदार। तो चलिए आज की दिवाली स्पेशल रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सेव को ग्रीन कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक जोड़ी पालक ली है और थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए चार हरी मिर्च ली है। लाल रंग देने के लिए मैंने यहाँ पे एक बीट लिया है, बीट हमने कच्चा ही लिया है। इसे एक मिक्सी जार में डाल के 1/4 कप पानी डाल के ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लेंगे। इसी तरह हरी मिर्च, पालक और 1/4 कप पानी डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से ग्राइंड करके छान लेंगे ताकि इनमें कोई भी पार्टिकल्स ना रह जाए और हमें सेव बनाने में आसानी रहे। अब यहाँ पे हमें एक मिक्सी बाउल में 2 कप बेसन को अच्छे से छान लेना है ताकि हमारे बेसन में बिल्कुल भी लम्स ना रहे और हमें सेव बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। 1/2 कप पालक का जूस, 1/2 कप बीटरूट जूस, 1 टेबलस्पून हींग, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और तेल लेंगे हम जरूरत के अनुसार। यहाँ पे मेजरिंग कप से 2 कप बेसन लिया था हमने, इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। 2 कप बेसन के लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। पहले ना इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि बेसन जो है ना वो हाथ में चिपकता बहुत है। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के 2 से 3 मिनट मसलते हुए इसका हम डो बना के तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर का डो। बेसन, नमक और हल्दी तेल का सेम मेजरमेंट रहेगा, बस 1/2 कप पानी की जगह यहाँ पे हम 1/2 कप पालक का जूस डालेंगे। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर पालक का जूस डाल के इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हाथों में तेल लगा के इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैंने बीटरूट वाला डो भी बना के तैयार कर लिया है। डो को प्लेट में रखने से पहले थोड़ा सा ऑयल से कोट कर लीजिएगा ताकि ये ड्राई ना हो जाए। अब बारी है सेव बनाने की। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। सेव बनाने वाली मशीन को हम अंदर से थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। सबसे पहले हम येलो यानी कि प्लेन डो वाला लगाएंगे। इसे ऊपर से बंद करके अच्छे से टाइट कर लेंगे। तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए सेव डालेंगे। ऐसा करने से हमारी सेव जो है वो इवनली फ्राई होगी, एक ही जगह पे हमें नहीं डालना है। और इस तरह से हाथों से बस तोड़ के इसे तेल में डाल देंगे। 30 से 40 सेकेंड में इसे हम पलट कर फिर से फ्राई कर लेंगे। बस 1 मिनट में ना हमारी सेव जो है वो इस तरह से फ्राई होके तैयार हो जाएगी। सेव को फ्राई होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है कि फ्लेम जो है वो हमें हाई टू मीडियम रखनी है। येलो वाली सेव तो हमारी फ्राई होके तैयार है। अब ये है पालक वाली सेव, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है जिससे ये थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी। आप चाहे तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। 30 से 40 सेकेंड इसे हम पलट कर फ्राई करेंगे और इस तरह से हमारी पालक वाली सेव भी बनके तैयार है। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और इसे छन्नी में रखेंगे। इसी तरह से हम लाल वाली सेव भी फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में इसे हमें घुमाते हुए मशीन को चलाना है। आपके हाथों पे तेल के छींटे ना उड़े इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। जैसे ही सफिशियंट सेव कढ़ाई में आ जाए हाथों से हल्के हाथों से तोड़ के इसे निकाल लेंगे। दोनों साइड से 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करेंगे और फिर तेल को नितार के एक छन्नी में निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी रहेगा वो निकल जाएगा। सेव को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। कितनी अच्छी और कलरफुल दिख रही है ना। कभी कभी ना शूटिंग में लाइटिंग की वजह से कलर थोड़ा सा 19-20 दिखता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये सेव बहुत ही अच्छी बनी है। अच्छी है, इसे आप तोड़ के रख सकते हैं। तीनों रंग की सेव को अलग अलग भी रख सकते हैं या फिर मिक्स करके भी इसे हम खा सकते हैं। इसके बाद ना हम चिवड़ा बनाने वाले हैं,
जिसमें ये सेव का इस्तेमाल हम करेंगे, जो दिखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और खाने में मजेदार है ना। बहुत ही आसान रेसिपी, तो अब भी ट्राई कीजिए और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपीज डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।